नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन नॉनस्टॉप में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं फटाफट खबरों पर। महाराष्ट्र के नासिक में दर्दनाक हादसा, बस में लगी भीषण आग, करीब एक दर्जन लोगों की मौत, दो दर्जन से अधिक लोग झुलसे। नासिक की घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम सुंदर ने जताया दुख, केंद्र और राज्य सरकार ने मुआवजे की भी की घोषणा। भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तुमकुर के माया सांत्रा से पदयात्रा शुरू हुई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा हाई जोश। इन्वेस्ट राजस्थान समिट का समापन सत्र, आज सीएम अशोक गहलोत ने की शिरकत, समिट में एमएसएमई कॉन्क्लेव का भी आयोजन, पैनल डिस्कशन और विशेषज्ञों का हुआ उद्बोधन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे मेदांता अस्पताल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के लिए जानकारी, अखिलेश यादव से भी की बातचीत। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी पहुंचे मेदांता अस्पताल, मुलायम सिंह यादव का जाना हाल, कहा तबीयत में सुधार, दुआओं की जरूरत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित, गोला गोकारनाथ से भाजपा ने अमर गिरी को बनाया प्रत्याशी, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को दिया टिकट। लखनऊ में आरोग्य भारती का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू, सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया उद्घाटन, आरएसएस के सह कार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य भी रहे मौजूद। कौशल राज शर्मा को बनाया वाराणसी का नया मंडलायुक्त, जिलाधिकारी वाराणसी का भी रहेगा अतिरिक्त प्रभार, शासन ने जारी किया आदेश। देश में मौसम का बदला मिजाज, कई जगह सुबह से ही हो रही हल्की बारिश, 12 अक्टूबर तक बारिश के आसार। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक झमाझम बारिश, जयपुर में भी मेघ मेहरबान, तापमान में गिरावट दर्ज, किसानों में कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल। उत्तराखंड के पौड़ी में बारिश की संभावना, जिलाधिकारी ने शनिवार को किया अवकाश घोषित, 1 से 12वीं की स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में रहा अवकाश। झांसी में बदमाशों का आतंक, 3 मजदूरों पर धारदार हथियार से हमला, 1 की मौत, 2 घायल। दिवाली से पहले आम आदमी को बड़ा झटका, गैस कंपनियों ने सीएनजी के दाम 3 रुपए प्रति किलो बढ़ाए, पीएनजी के दाम में भी 3 रुपए की बढ़ोतरी। 12 में बारिश से ढही मकान की दीवार, मलबे में दबे 4 लोग, 1 महिला की मौत, बच्चों के साथ सो रहा था परिवार, शहर की राजीव गांधी कॉलोनी की घटना। जयपुर के बस्ती से रफ्तार का कहर, ट्रक में टकराने के बाद पलटी पिकअप, हादसे में दंपति की मौत, 2 लोग घायल, हिंगोनिया टोल प्लाजा के पास की घटना। झुंझुनू के चुड़ावा में चोरों के हौसले बुलंद, बस स्टैंड से बाइक की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जयपुर के सिंधी कैंप थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ड्राई फ्रूट खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार, साथियों के साथ मिलकर अलग अलग फॉर्म खोलकर धोखाधड़ी करता था आरोपी। जालौर के मालवाड़ा में 7 दिवसीय माध्यमिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, क्षत्रिय युवक संघ ने किया आयोजन, श्रम मंत्री सुखराम बिश्नोई और रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल ने की शिरकत। प्रजापति विकास समिति दादर जूंगड़ ने जालसू उप तहसीलदार बजरंग काल चौधरी को सौंपा ज्ञापन, सीएम अशोक गहलोत के नाम सौंपा ज्ञापन, जाति के साथ छेड़छाड़ नहीं किए जाने की मांग। बाड़मेर के बालोतरा में सांसद गरबा प्रतियोगिता का आयोजन, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने किया आयोजन, कार्यक्रम में दिखाई दी धर्म संस्कृति और देश प्रेम की झलक। झुंझुनू शहर में डोर टू डोर सर्वे के लिए 7 टीमें रवाना, सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने रवाना, मौसम बीमारियों को लेकर किया जाएगा सर्वे, एंटी लार्वा एक्टिविटी भी करेगी टीमें काम। झुंझुनू के पुरानी पुलिस पर जानलेवा हमला, 5 पुलिसकर्मी घायल, निहाली चौक में हथियार की सूचना पर गई थी पुलिस, शराब की बोतल से फोड़ा पुलिसकर्मी का सर। झुंझुनू शहर से अपराध करके भागना होगा अब मुश्किल, एसपी मुदल कछावा नाकाबंदी पैटर्न को करेंगे अपडेट, पुराने नाकों के साथ नए नाकाबंदी के नाके होंगे चिन्हित, देर रात तक हुई नाकेबंदी की ट्राई। भरतपुर के मुसावर में 2 ट्रॉली चालक जलकर राख, दमकल ने पाया आग पर काबू, कार्बन गांव की है घटना। झुंझुनू के पचेरी कला से खबर, स्कूल में लेट पहुंचा तो छात्र का फोड़ा फोड़ डाला डंडे से सिर, कक्षा 6 के 12 वर्षीय छात्र का फोड़ा प्रिंसिपल ने सर, स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ पचेरी कला थाने में मामला दर्ज। जोधपुर के देचू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने लापता युवक को 5 महीने बाद ढूंढ निकाला, परिजनों का कहना है कि हीरालाल का मानसिक रूप से स्वास्थ्य ठीक नहीं। डूंगरपुर के रामसागाड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रामपुर मेवाड़ा गांव में हुई पिता की हत्या के आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार, आरोपी बेटे ने हत्या की वारदात कबूल की।
श्रीगंगानगर के पदमपुर में आप कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन, प्रति महीने 200 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की मांग, एएन और उप तहसील में सौंपा ज्ञापन। बूंदी में वन्यजीव सप्ताह और वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन, कलाकारों ने दी जनचेतना बोधक प्रस्तुतियां, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने भी की शिरकत। झालावाड़ के आवर कस्बे में स्थित आंगनबाड़ी प्रथम का भवन जर्जर, खिड़कियां टूट होने से आवारा कुत्ते भवन में कर रहे गंदगी, वहीं जर्जर भवन के कारण बारिश का पानी भी अंदर आता है। अनूपगढ़ में शब्द गुरु चेतना पैदल यात्रा रवाना, सिख संगत ने उत्साहपूर्वक पैदल यात्रा को किया रवाना, पैदल यात्रा का जगह जगह किया गया स्वागत, अमृतसर दरबार साहिब जाएगी पैदल यात्रा। लूणी कस्बे में गहराया पेयजल संकट, ग्रामीण टैक्सी से 10 किलोमीटर दूर से ला रहे हैं पानी, 10 किलोमीटर दूर कांगाणी से पानी भर लाने को मजबूर लोग। जयपुर के गोविंद नगर में फर्जी दस्तावेजों से नौकरी, ग्रामीणों की शिकायत पर भी संज्ञान नहीं, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, निष्पक्ष जांच की मांग। झालावाड़ के आवर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम, छात्राओं को दी कानूनी जानकारी, थानाधिकारी देशराज गुर्जर ने छात्राओं को महिला सुरक्षा, महिला उत्पीड़न एवं बाल अधिकारों के बारे में बताया। झालावाड़ के आवर में रिमझिम बारिश, फिर उफान पर नदी नाले, मुख्य मार्ग पर बनी रपट पर एक लिफ्ट बहा। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में बेमौसम बारिश में फसलों को भारी नुकसान, खरीफ की फसलें चौपट, किसानों ने की मुआवजे की मांग। झालावाड़ के आवर में करवा चौथ, दीपावली को लेकर रौनक, करवे दीपक और कलश बनाने में जुटे कारीगर, इस बार कारीगरों को पर्व को लेकर काफी उम्मीदें। श्रीकरणपुर में आरएसएस का पथ संचलन, नगर पालिका प्रांगण में सभा का भी आयोजन, सहधर्म जागरण से संयोजक पंजाब प्रांतीय के गुरुचरण सिंह ने दिया संबोधन। एवन नॉनस्टॉप में फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।